हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द मौर्य। चलिए भी देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, हमारे सेटअप ने किस तरीके से वर्क किया और मैंने कहां पर ट्रेड लिया। आज के दिन जो मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ था वो यहां पे 925 की कैंडल पर लिया था। जैसे यहां पे 925 की कैंडल पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का सेटअप बनता है, वैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। स्ट्रेट में मेरा यहाँ पर जो SL था, SL यहाँ पर मेरा 85 पॉइंट्स का था, राइट। 85 पॉइंट्स का SL यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने यहाँ पर एक ही ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था, राइट। और स्ट्रेट में मुझे यहाँ पर 1:4 का टारगेट नहीं मिला, बट यहाँ पर एक समय पर मुझे यहाँ पर 1:2 से भी ज़्यादा का यहाँ पर टारगेट यहाँ पे देखने मिल गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर मुझे 1:2.32 का यहाँ पे टारगेट आसानी से देखने को मिल गया था। अगर यहाँ पे पॉइंट्स में यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो 198 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मुझे आसानी से मिल गया था। बट मैं यहाँ पे मेरा जो टारगेट था 1:4 के लिए यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, बट मुझे यहाँ पे 1:4 का टारगेट नहीं मिला। मैंने यहाँ पे जो अपना ट्रेड यहाँ पे कट किया वो यहाँ पर मेरा जो ट्रेलिंग SL था, यहाँ पर ध्यान से समझना, ट्रेलिंग SL का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था कि स्विंग्स के पास मार करना। फर्स्ट स्विंग तो हमारा यहाँ पर ये बन जाता है, ये रेड कैंडल का स्विंग बन जाता है, राइट। और सेकंड यहाँ पर ये छोटा सा जो कैंडल बना हुआ है यहाँ पर बन जाता है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर मार करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस के नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो प्राइस यहाँ पे पहले मेरी तरफ आया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ जब ये मूव किया तो इस लेवल के पास मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग SL था। बट इस ट्रेलिंग SL के हिट होने से पहले मैंने यहाँ पर ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्या कहते हैं 10:45 की कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद ही मैंने यहाँ पर तुरंत ही अपना ट्रेड यहाँ पर कट कर दिया था, अगर राइट। और अगर मैं यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं कट करता तो जो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट किया वो मेरा यहाँ पर लॉसेज में चला जाता, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ, कंटिन्यू यहाँ पर टाइम डिके किया। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल पर जाकर हमारा यहाँ पे जो SL था वो SL यहाँ पर हिट होता, राइट। तो ठीक ही था। हाँ, हर दिन हमें यहाँ पे 1:4 का टारगेट नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको कई बार से बार बार से वो बोलता हूँ और यही सिखाता हूँ कि हमें 1:4 का टारगेट लेकर चलना है, बट 1:4 का टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसके लिए हमें ट्रेलिंग SL का यूज़ करते हुए चलना होगा, राइट। और अभी बात करते हैं हमारा जो कल के दिन का जो एनालाइज था, एनालाइज हमारा यहाँ पे सिंपल सा था। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग का जो एनालाइज है वो सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। हमारा एनालाइज था कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है हमें सेलिंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लेना होगा, और सेलिंग साइड की डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे 530 पॉइंट्स तक का यहाँ पे मूवमेंट मिला हुआ, राइट। और उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पे सेकंड टारगेट सेकंड एनालाइज ये था कि फिर हम यहाँ पे गैप फिल के पास अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रेलिंग SL का यूज़ करते हुए चलेंगे। और गैप फिल के पास मैंने बताया था कि यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है, और ये पुल बैक या होल्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हमें यहाँ पर 380 पॉइंट्स तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला हुआ था। आज के दिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे जो अपने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है ना, ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट कैंडल बन गया, और फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट हो चुका था। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना हुआ, फर्स्ट कैंडल का लेंथ ही यहाँ पे 324 पॉइंट्स का था, तो 324 पॉइंट्स का अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मिल जाता है बन जाता, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंट हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर यही कैंडल यहाँ पे 100 या 115 पॉइंट्स का बना होता तो हमें यहाँ पे 1:4 का टारगेट यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ही जब इतना बड़ा यहाँ पे मोमेंट्स हो जाता है तो मार्केट के नीचे की तरफ मूव करने की थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता, मार्केट के नीचे की तरफ मूव करने की थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसके ऊपर की तरफ मूव करने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको रिटेलर्स तो नहीं बना पाएंगे, ये आपको यहाँ पे समझना होगा, राइट। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही था मार्केट, SL से अच्छा है हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग SL है। और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम इसमें कल के दिन किस लेवल के पास अपने पोजीशन को हम लोग बना सकते हैं। मार्केट अभी यहाँ पे जिस लेवल के पास है, यहाँ पे मार्केट हमें यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो ट्रेड का जो प्लान होना चाहिए वो यहाँ पर बाइंग साइड की डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे पहला व्यू हमारा ये होगा कि अगर मार्केट क्या होता है यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे क्या होता है गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहले तो सेलिंग साइड की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, और उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे पुल बैक मिलेगा पुल बैक पर हम तुरंत ही यहाँ पर ये बाइंग साइड की डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और पुल बैक के लिए जो हमें यहाँ पे स्विंग्स को मार करना होगा वो स्विंग भी ध्यान से सुन लेना, और ये इसके लिए हमारा यहाँ पे ये जो स्विंग होगा ये स्विंग और अपर जस्ट मिनट, और पुल बैक के लिए जो हम यहाँ पे स्विंग्स को मार करेंगे वो ये स्विंग, और जहाँ से प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो रहा होगा हम वो उस स्विंग को यहाँ पे मार करेंगे, राइट। हमारा यहाँ पे व्यू ज़्यादा क्लियर व्यू जो है वो यहाँ पर बाइंग साइड की डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर आप सेफ साइड का ट्रेड प्लान करना चाह रहे हो तो यहाँ पर RSI स्ट्रेटजी के ट्रेड को थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। थोड़ा सा अगर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर होल्ड कैंडल के अकॉर्डिंग या पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है, और ये जो ट्रेड होगा हमारा यहाँ पर ये जो गैप फिल है गैप फिल के पास तक ये थोड़ा सा और डीप करेक्शन कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पर ना हमें यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है ये गैप फिल के पास, या थोड़ा सा इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और हमारा यहाँ पे सेकंड एनालाइज यहाँ पर ये है कि अगर प्राइस क्या होता है, अगर प्राइस यहाँ पे क्या होता है गैप ओपन नहीं होता है,
गैप डाउन ओपन होता है। अगर प्राइस यहाँ पे क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, तो हमारे लिए यहाँ पर ये जो कैंडल का जो ये स्विंग है, ये स्विंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस स्विंग का यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट नहीं होता, तो हमें यहाँ पर कोई ट्रेड यहाँ पर प्लान ही नहीं करना है। अगर यहाँ पर प्राइस क्या होता है, इस लेवल के पास यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, ये जो स्विंग है इस स्विंग से यहाँ पर ब्रेकआउट हो और थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो हमें यहाँ पर होल्ड कैंडल देखने मिले, तब हम यहाँ पर बाइंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और फिर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो ये गैप पेंडिंग है, इस गैप के पास हम यहाँ पर RSI के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग साइड की डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सेलिंग साइड की डायरेक्शन में अगर हमें ट्रेड लेना है तो इसी ये गैप फिल के पास ही हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइंग साइड की डायरेक्शन में ही हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। और बाई डिफॉल्ट अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करता है, तो ये जो स्विंग है अगर इस स्विंग्स का नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, तो ही हम यहाँ पे पुल बैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा हम ये जो नीचे की तरफ का जो मार्केट होगा, ये थोड़ा सा बहुत ही स्लोली हो सकता है, राइट। तो अगर सेफ साइड का ट्रेड प्लान करना है, तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ का ट्रेड लेना होगा। और ये जो मैंने एनालिसिस यहाँ पर बताया हुआ है, ये सेम यही डिटो निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में भी यही अप्लाई होगा, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।